हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सफ़र करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 13158, जो कि हर बुधवार को मुजफ्फरपुर से कोलकाता तक का सफ़र तय करती है। टोटल डिस्टेंस कवर करती है 567 किलोमीटर विद एवरेज स्पीड ऑफ 43 किलोमीटर पर आवर, और इसका मैक्सिमम स्पीड जो रहता है वो 110 किलोमीटर का रहता है। तो इस ट्रेन का कोई ब्लॉग बनाता नहीं होगा, तो मैं सोचा चलो इस ट्रेन का ब्लॉग बना देता हूँ। जनरल कोच दिखाएंगे, स्लीपर कोच भी दिखाएंगे, और मैंने इस ट्रेन को क्यों चूज़ किया वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। और ये ट्रेन वीकली हर बुधवार को प्लेटफॉर्म नंबर 4 से निकलती है और अगले दिन सुबह कोलकाता पहुँच जाती है। तो चलिए, ट्रेन तो हमारी लगी हुई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। ये देखिए मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो ट्रेन लगी हुई है। अभी चलिए उस पर अपने सीट पर बैठते हैं। जब आप स्टेशन पे ब्लॉगिंग करेंगे तो सब लोग आपको देखते रहेंगे, क्या कर रहा है बंदा। जिस मतलब आपको इस सब चीज़ से गुजरना ही पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हमको देख रहे हैं, क्या कर रहा है, पागल है क्या है, पर ठीक है, ये सब तो होते रहता है बिहार में। तो इसका जो दिख रहा है लोकोमोटिव मुझे, वो इलेक्ट्रिक इंजन ही है। आगे जाके देख लेते हैं। और जनरल का हालत ठीक है, उतना बुरा नहीं है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, देखिए ये रहा जनरल कोच अपना, और नॉर्मल ही है, ज़्यादा भीड़ तो दिख नहीं रहा है मुझे। आगे ही बरौनी वगैरह में लोग इस पर चढ़ेंगे। ये अगले दिन सुबह 4 बजे तक पहुँचाती है। ये है जनरल का हालत, उतना बुरा तो नहीं कहेंगे अदर ट्रेन के मुकाबले, नॉर्मल ही है। क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर नहीं करती है, 567 किलोमीटर ओनली कवर करती है। और यहाँ से 2:40 में निकलेगी, ये पहुँच जाएगी। बाथरूम का कंडीशन देख लेते हैं, बेकार है, अच्छा नहीं है। ये है महिला डिब्बा इसके पीछे जो आप देख रहे हैं, और ये रही आपकी तिरहुत एक्सप्रेस। इसको तिरहुत एक्सप्रेस बोलते हैं, 13158 जो यहाँ से जाती है, उधर से आने वाली 57 आती है। इसमें जो लोकोमोटिव लगा हुआ है, हावड़ा का लगा हुआ है, इसका नंबर है 22506। ये देखिए, ये इसका लोकोमोटिव है, मैं आपको दिखा दिया हूँ। आगे चलिए ड्राइवर के सीट से रिटर्न आ जाएंगे। तो ये इसका लोकोमोटिव है, यही इसको लेके, मुझे नहीं लगता इसका इंजन कहीं चेंज होगा। चलिए अपने जगह पे चलते हैं और कुछ जानकारी इस ट्रेन के बारे में आपको दूंगा। जनरल कंपार्टमेंट दिखा दिया, लोकोमोटिव दिखा दिया, और ये रहा मुजफ्फरपुर स्टेशन। अभी 2:25 हुए हैं, 15 मिनट में ये गाड़ी खुलने वाली है। इसका जो नेक्स्ट स्टॉप रहेगा वो समस्तीपुर रहेगा, उसके बाद दलसिंहसराय रहेगा, और फिर बरौनी रहेगा। तो यहाँ से बरौनी तक का जो सफ़र तय करेगी वो 2 घंटे में तय कर लेगी। तो इसलिए मैंने इस ट्रेन को चूज़ किया, जो ये कम टाइम लेगी। बाकी मौर्या 3 घंटा 55 मिनट लेती है मुजफ्फरपुर से बरौनी जाने के लिए, और दूसरी ट्रेन भी इससे ज़्यादा ही टाइम लेती है। ये सिर्फ 2 घंटे लेगी आपको बरौनी पहुँचाने में। इस ट्रेन में जो कोच की संख्या रहती है, इसमें 2 जनरल कंपार्टमेंट है, 7 स्लीपर का कंपार्टमेंट है, 1 थर्ड AC है, 1 सेकेंड AC है। स्लीपर कोच का ये रहा हाल। पहले इसका बाथरूम देखेंगे। बाथरूम उतना अच्छा नहीं है, तो बाथरूम दिखाना अवॉइड ही करता हूँ। मुझे बाथरूम दिखाना पसंद नहीं है, बट मैं जाके खुद एक बार देख लेता हूँ जो कैसा है। ट्रेन का सिग्नल हो गया है, ट्रेन खुल गई है मुजफ्फरपुर जंक्शन से अपने गंतव्य की ओर। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी इस ट्रेन के फेयर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर आप मुजफ्फरपुर से कोलकाता तक जाएंगे स्लीपर क्लास में, तो इसका फेयर रहेगा 290 रुपीज़। अगर आप 3rd AC में जाते हैं तो इसका फेयर 875 रुपये, 875 रुपीज़ हो जाता है। और अगर आप 2nd AC में जाते हैं तो उसका 1255 रुपया कॉस्ट है। अभी ये ट्रेन कपूरीग्राम हॉल्ट पे रुकी हुई है। ट्रेन 13 से 14 मिनट डिले हो गई है ऑलरेडी। इसके बाद का जो स्टेशन है वो समस्तीपुर है। अभी तक 45 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हुआ है।
समस्तीपुर स्टेशन से जस्ट पहले आउटर पे फिर से गाड़ी रुक गई है और अभी तक ट्रेन 50 किलोमीटर कवर करने में 20 मिनट लेट हो गई है। ये रूट जो है ये दरभंगा और जयनगर मधुबनी की ओर जाती है। समस्तीपुर स्टेशन के बारे में बता दूं, यहाँ से 3 रूट जाती है। ये एक देख रहे हैं आप जो रूट, ये दरभंगा मधुबनी जयनगर वाली रूट है और जिधर से अभी हम आ रहे हैं मुजफ्फरपुर वाली रूट है और जिधर ये ट्रेन अभी जा रही है वो बरौनी वाली रूट है। ये आबाद आसाम है जो डिब्रूगढ़ से लालगढ़ तक जाती है। आबाद आसाम कोई बात नहीं, हम भी उतर के चढ़ जाएंगे। यहाँ पे लोगों की भीड़ है, यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग चढ़ेंगे क्योंकि मुजफ्फरपुर था और पहला स्टेशन था तो ज़्यादा लोग थे नहीं, लेकिन आप भीड़ देख सकते हैं। अभी हम लोग फाइनली पहुँच गए हैं समस्तीपुर जंक्शन पे। इस गाड़ी का स्टॉपेज यहाँ पे 5 मिनट का है। मैं कोशिश करता हूँ जनरल कंपार्टमेंट का स्थिति दिखाऊं। गाड़ी लगभग आधे घंटे लेट हो गई है, आधा घंटा लेट हो गया है यहीं पे, तो आगे और कितना लेट होगा पता नहीं। अभी स्लीपर में तो भीड़ था नहीं, मुजफ्फरपुर से ही खुली थी, लेकिन अभी आगे जनरल है तो उसमें देखिए भीड़। चढ़ गए हैं लोग, ऑलमोस्ट चढ़ गए हैं, लेकिन अभी भी भीड़ है। तो जनरल में आप कहीं भी चढ़िए भीड़ रहेगा ही, लाइन लगेगा ही। आधे घंटे डिले है और ये भीड़ देखिए। ये लोग चढ़ भी नहीं पाए अभी तक, अभी समस्तीपुर आई है, आगे दलसिंह सराय में भी लोग चढ़ेंगे और बरौनी में भर जाएगी गाड़ी, जनरल कंपार्टमेंट पूरा फुल हो जाएगी। तो जनरल का स्थिति कहीं भी से भी सही नहीं है, इसके पीछे एसी है, उसके बाद अपना कंपार्टमेंट। इससे पहले कि सूर्य का अस्त हो जाए मैं आपको सनसेट का व्यू दिखा देना चाहता हूँ। अभी हम दलसिंह सराय जंक्शन पहुंच गए हैं, गाड़ी 40 मिनट डिले हो गई है। टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है 75 किलोमीटर और 40 मिनट, सिर्फ 2 हॉल्ट में 40 मिनट का ट्रेन डिले हो गया है। इसके बाद क्या स्टॉपेज है बरौनी, यहां से करीब 1 घंटे लगेंगे बरौनी जाने के लिए। देखते हैं ट्रेन लेट ना हो तो शायद उजाला रहे तो मैं आपको दिखा पाऊँ बरौनी स्टेशन, और जो भी रहेगा आपको अपडेट देता रहूँगा। अभी तेघरा आ रही है राइट साइड में मुझे दिखा, लेकिन सिग्नल हो के है तो बरौनी लगता है मुझे अगले 5 से 7-10 मिनट में पहुंच जाएंगे हम लोग। बरौनी जंक्शन आने वाली है अभी हम लोग, अभी इस गुमती क्रॉस करने के बाद मुझे लगता है प्लेटफॉर्म नंबर 8 या 7 पे ये ट्रेन रुकेगी। ये गुमती बहुत बदनाम है, कहा जाता है ये हमेशा बंद ही रहती है, लोगों की बहुत परेशानी होती है इसमें, लोग बहुत क्रॉस करते हैं, इसलिए पुलिस वाले को भी रखा गया है जो कि लोग क्रॉस ना कर सके। अच्छी बात है, लोग अगर नहीं माने तो पुलिस को रख के गलत काम करने से रोका जाना चाहिए। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 9 पे आ रही है, चढ़ने वाले लोग की वेट कर रहे हैं इस गाड़ी का। अंधेरा होने से पहले लकली हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो इस तरह से हमारी जर्नी होती है ख़त्म, हम पहुंच गए हैं बरौनी जंक्शन पे। हमने टोटल डिस्टेंस कवर किया 102 किलोमीटर, गाड़ी आधे घंटे से
थोड़ी सी ज़्यादा लेट है और अभी ये ट्रेन क्यूल झाझा जसीडी होते हुए कोलकाता तक जाएगी, सुबह 4 बजे पहुंचेगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करके बताइएगा और कमेंट में कुछ सजेशन हो तो वो भी दे दीजिएगा। और एक बात बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मैं इसे ही वीडियो बनाता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। हेलो ऑल, वेलकम। हेलो ऑल, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल।